अनके करबिया रातुम फंटा करदमलो सुरी सुरिया करदमलो अनके तिवारा ड्रॉ मुसुको सेओ पाइन लस्तो तावी तिनो एबे इनके गो गाना फ्यूआ एबे छि रातानि सारगो बो सेओ पाइन लस्तो नेली के करबियालम के पुआन चिंकी उनेस्ता ट्राई पो है दे अनके दा करबियांग लंगा यूट्यूब फन के सुनलो इतुको करेश के इनकरेज के सुन लो है एजुकेशन सिस्टम के असब किने नहीं यूट्यूब फन के दी दुनांग को एजुकेशन सिस्टम के ने ने लिए दी स्कूल के दम लोंग ले दे अपरांग ने दा डॉन बोस्को स्कूल से उमसोई डॉन बोस्को स्कूल वालों से स्कूल की दम अन के स्कूल दम लोंग ले दे फाइनेंशियल असब प्रॉब्लम दू है हेम लोंग दी ने तुम बांग फो पिंसु तुम अन के ने स्कूल दम लोंग ले दो अन के 2011 के अन के स्कूल दम लोंग ले दे अन के दम जुई लो है दाग पेन फासी दम के महाराष्ट्र से दम मुंबई अन के मुंबई दम लो अन के हरा टेक्निकल स्कूल दू डॉन बोस्को लो हेला हरा टेक्निकल स्कूल ता रि पुणे लोंग अन के हरा होटल मैनेजमेंट बेसिक कोर्स दू दाग गुवाहाटी दा दू अने आजुलोंग हेदी अनके हरक पेन हला होटल मैनेजमेंट कोर्स एन लो 6 मंथ अनके लातुम ताश होटल लॉन्ग ट्रेनिंग पीलो है अनके आफ्टर ट्रेनिंग के सुन लाइ पुगो जॉब ता हलक पुनिया लॉन्ग से प्लेसमेंट पी लो लातुम ताश होटल लॉन्ग हदक ताश होटल लॉन्ग 1 इयर्स ने क्लेम लो हदा खेदी ट्रेनिंग ता हलक पुने ताश होटल लॉन्ग से ट्रेनिंग पी लो लातुम अनके आफ्टर ट्रेनिंग जॉब हदक से प्लेसमेंट पी लो अनके हदक पेन पुणे पेन मुंबई दाम जुई लो अनके हदक 11 इयर्स लो ने कम क्लेम मुंबई अलोंग है अनके हदक पेन के भेरिन दाम जुई लो भेरिन सऊदी अरबिया अनके जॉर्डन लहाय लो है बॉर्डर शेयर कुरिंग के भेरिन पेन सऊदी अरब पेन जॉर्डन लसन लो अनके हदक 2 इयर्स लो ने भेरिन लॉन्ग कम क्लेम अनके नॉन भेरिन अलोंग ब्रिटिश क्लब अलोंग से रबी क्लब फुटबॉल क्लब है लसन से अनके हदक क्लब अलोंग कम क्लेम 2 इयर्स अनके नॉन हेमवांग जुलो है नॉन 3 वीक्स लो ने हेमवांग अनके 3-4 डेज ना लंग ला जेड एक्सटेनर लॉन्ग था बुकिंग के 2 मंथ्स बिफोर लो हदक भेरिन पेन से नहीं बुकिंग लो बाइक के अनके लातुम ला मैन्युफैक्चर के चाइना पेन बोन ला जेड एक्सटेनर रेडी ने तुम यूथ तुम ड्रीम्स बाइक लो ला अनके नेता ड्रीम्स बाइक लो है ने फंता अंते नेता 2 मंथ्स बिफोर लो ने बुक अंते आफ्टर 2 मंथ्स है लॉन्ग ने तुम कौन लो बाइक के दौर के बाइक दौर के शोरूम प्राइस के 16,80,000 लो अनके इंश्योरेंस अन रूट टैक्स आरटीओ पिने पिने पेन अनके टीसीएस पेन 18.5-19 लो इदम ये अराउंड 19 लाख्स अनके ला मोडिफाइड ना ये हला एग्जॉस्ट ता हेदी एग्जॉस्ट ना नंगली लगाई पुटे अनके 20 लाख्स अराउंड लो इदम ये चोकलो दी हर वे गो व्हाट इज योर हाउ यू मैनेज टू ब्रिंग दिस बाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी मेरा नाम बेबिलोन अमसोंग है मैं उमसोई का हूँ उमसोई विले का शिकदमखा का और इससे पहले मैं बहरीन पे था और घर से निकला हुआ अभी 10-12 साल हो गया मेरा अभी 12 साल से मैं घर के बाहर था तो अभी मैंने जेरेक्स टेनर ना बुकिंग किया था 2 महीना पहले तो आसाम पे आके मेरे को अभी 2-3 हफ्ता हो गया दो तीन हफ्ता के बाद डिलीवरी नहीं मिल रहा था हम लोग को अभी 2-3 दिन हो गया हम लोग जेरेक्स टेनर लेके आया उसके बाद क्या बोलूँ मैं आप लोगों को मैं घर से 12 साल घर से बाहर रहा और जब मैं उमसोई से बाहर चला गया वो कितना साल हो गया अभी 2011 में गया था मैं घर से अभी 12 साल हो गया तो इंडिया में 10 साल रहा मैं महाराष्ट्र में मुंबई में उसके बाद वहाँ पे काम करते करते फिर बहरीन चला गया और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है तो फिर मैं ट्रैवल करते करते फिर बहरीन पहुँच गया अभी बहरीन से आके 2-3 हफ्ता हो गया मेरे को और 2-3 हफ्ता में काम करते हैं मैं बहरीन पे क्लब में काम कर रहा था वहाँ पे एक रबी क्लब करके ब्रिटिश लोगों का क्लब है वहाँ पे काम किया उसके बाद अभी काम छोड़ के आया अभी तो जॉबलेस हूँ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ मेरा चैनल का नाम है बेबिलोन ब्लॉग तो आप लोग आपका चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दो मेरा चैनल का नाम भी तो
कुछ भी आप लोगों को देखना रहेगा तो बेबलोन ब्लॉग में आप लोग देख सकता है, मेरा ब्लॉगिंग आते रहता है उसमें। अभी तो कुछ सोचा नहीं, कुछ भी करने के लिए ब्लॉगिंग में फोकस कर रहा हूँ फुल टाइम। और मैं यूथ लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ड्रीम सक्सेसफुल होने के लिए ना, अगर आप लोगों का ड्रीम कंप्लीट करना है तो फिर पहले बहुत मेहनत करो, ज़्यादा नहीं 5-6 साल मेहनत कर लो। 5-6 साल में मेहनत करके फिर अच्छा से ना, खुद का थिंकिंग भी उतना स्ट्रांगली होना चाहिए कि आपको सक्सेस ही होना करके, तो फिर आप लोगों को सक्सेस तो ऐसे भी मिल ही जाता है मेहनत करेगा तो। ये पश्चिम कर दिया हम लोग हैं शाम का। हाँ जी, ये अमरीका, ये हमस्ती है। हाँ जी, हम अमरीके लिए, अमरीके युवा के लिए और अमरीके राष्ट्र के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही क्या बताऊँ मैं अभी, यहाँ पे मोस्टली यहाँ का जो स्टूडेंट लोग है ना, एक्चुअली कार्बी आंग्लोंग में इतना गवर्नमेंट जॉब या सब फैसिलिटी उतना है ही नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाता है एक दो दो जन को, उतना तो काफ़ी नहीं है। तो फिर मेरे जैसा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा सा पढ़ाई करो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप लोगों को आसाम पे नहीं रहना, तो फिर जा सकता है बेंगलोर में, नहीं तो मुंबई में आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा अगर आप लोगों का एजुकेशन अच्छा रहेगा तो फिर जाके बाहर जाके काम कर सकता है। आप लोगों को बाहर जाएगा तो फिर दूसरे लोग को मिलेंगे, नया नया आइडियाज़ मिलेंगे, बिजनेस का आइडिया मिलेंगे, फिर काम करने का तरीका भी अलग चेंज हो जाएगा। वहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे कर्बी आंग्लोंग के जैसा नहीं है, बड़े बड़े लोग के साथ आप लोगों का कांटेक्ट होएगा, तो फिर ऐसा ही देख देख के आप सीख जाएंगे। फिर आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं किया, अभी मैं ब्लॉगिंग में फोकस कर रहा हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो फिर मैं अभी जेडएक्स ट्रेनर लेके फिर मैं होल नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करूँगा। होल नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करके फिर हम लोग जाएंगे, फिर महाराष्ट्र भी ट्रैवल करने के लिए जाएंगे हम लोग, फिर लद्दाख जा सकता है, शिमला जा सकता है, बहुत जगह इंडिया में है हमें घूमा नहीं। 10 साल में महाराष्ट्र में रहा हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ट्रैकिंग स्पॉट है, वहाँ पर उतना घूम नहीं पाया। उसके बाद फिर मैं बहरीन चला गया। वो टाइम पर मैं फ्यूचर के लिए सोच रहा था कि हाँ क्या कर सकता है, वो स्ट्रगल लाइफ जी रहा था, तभी फिर उतना ट्रैवल करने के लिए भी मौका नहीं मिला। अभी तो मैं रिटायरमेंट जैसा ले लिया हूँ अभी फ़िलहाल, तो अभी रिटायरमेंट हो गया, अभी फोकस करूँगा ब्लॉगिंग में। उधर बहरीन में काम करते हैं वो, उधर आपका सैलरी कितना है वो? बहरीन में वहाँ पे 250 दिनार है वहाँ का करेंसी, तो इंडिया में उसका 50,000 तक कन्वर्ट हो जाता है। और वन डिनर का 220 रुपीज़ समथिंग होता है इंडिया का करेंसी। हाँ, तो फिर आप लोगों मेरा सैलरी, नेट सैलरी उतना 250 था, और आपको सर्विस चार्ज मिल जाता है और एक्स्ट्रा बहुत है उसमें, 1,20,000 तक हो जाता है एक महीना में। 1,20,000? हाँ जी। तो उधर काम करके कैसा लगता है? काम करके वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गया था, तभी मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो फिर मैं पूरा बहरीन घूम लिया। एक साल में पूरा बहरीन घूम लिया। एक साल के बाद फिर मेरा ब्लॉगिंग चैनल में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, जॉब में थोड़ा सा बिजी हो गया था मैं, तो फिर एक साल के बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो फिर ब्लॉगिंग छोड़ के फिर उसमें ना एक चैनल है मेरा बेबीलोन अमसोंग करके, उसमें मैं बहरीन का पूरा ब्लॉग डाल के रखा हुआ है मेरा वहाँ पर, और मशहूर सॉन्ग्स डालता हूँ मैं अभी इंडिया में आने के बाद। फिर और बेबीलोन ब्लॉग करके उसमें फिर ये मोटो ब्लॉगिंग मेरा मैंने चालू किया है, अभी एक दो उसमें वीडियो आ गया जेड एक्स टेनर का, तो उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं।